नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है वो अहम बैठक जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री के साथ हो रही थी, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ, और ये कहा जा रहा था कि ये अपने आप में एक ऐसी बैठक होगी जिसमें जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में लोकतंत्र को मजबूत करने का आधार बनेगा। और काफी हद तक ये साफ हो गया है कि किसी भी तरह की मनमानी वाले रवैये को इस बैठक में नहीं अपनाया जाएगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी वो ये कि कश्मीर पर पीएम के साथ ये सकारात्मक बात हुई है बैठक में। संविधान पर सभी पार्टियों की आस्था है, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव पर सब राजी हैं, परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और साथ ही साथ चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा, ये भी बैठक में तय किया गया है। कश्मीर मंथन पर जो बड़ी बातें हुई है बैठक में वो इस वक्त सबसे अहम बात ये कि इस पूरी बैठक में जो मकसद था, जो मंशा थी वो ये कि इस बैठक को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव किए जाएंगे, चुनाव के बाद पूर्ण राज्य के दर्जे की बात पर भी सहमति बनती हुई नजर आई है। कश्मीर मंथन की ये महत्वपूर्ण बातें जो सुबह से ही लगातार सुर्खियों में थी, प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही थी और इस बैठक में सबकी निगाहें इसलिए थी क्योंकि कहा जा रहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से धारा 370 और आर्टिकल 35A को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसके बाद ये रिश्तों पर पड़ी धूल को हटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और है। जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही है उसमें यह कहा जा सकता है कि काफी कुछ सकारात्मक इस बैठक में होता हुआ नजर आ रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो जानकारियां आ रही हैं उनमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो बता दें कि परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, फिर विशेष राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा है उस पर फैसला लिया जाएगा। तो एक प्रोसेस के तहत इस पूरी बैठक को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाया गया जिसमें तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा और उससे पहले परिसीमन और विधानसभा चुनाव, यानी कि साफ तस्वीर जम्मू कश्मीर की, ऐसी तस्वीर जो लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाएगी। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या खबर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो प्रीति ये है कि जिस तरह से लग रहा था कि इस बैठक में कोई बड़े नतीजे नहीं निकलेंगे, मैं तो कहूंगा कि जो बातें मैंने की हैं और जो नेताओं से बातें सुनी है, जो ऑफ द रिकॉर्ड भी बोल रहे हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड भी बोल रहे हैं, जिन्होंने बैठक में हिस्सा लिया, उनसे एक बात की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि कश्मीर की लीडरशिप जो कश्मीर घाटी में बैठ करके बड़ी बातें कर रही थी, पाकिस्तान की बातें कर रही थी, 370 की बातें कर रही थी, उसने कम से कम एक सकारात्मक पक्ष दिखाया है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में किसी भी नेता ने बहुत जोर शोर से 370 या 35 की बात नहीं की है। ये बात मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नेताओं से पूछी और ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछी है। तो एक बड़ी पहल, बड़ा सकारात्मक कदम मुझे लगता है कि घाटी के नेताओं की तरफ से भी ये उठाया गया है और उनको सरकार की जो बॉडी लैंग्वेज थी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री की, सारे नेताओं ने कहा कि वो कमिटेड लग रहे थे, बहुत ही खुशनुमा माहौल में बातचीत हुई है। यानी 370 और 35A को लेकर के जो बहुत बड़ा मसला दिखाई दे रहा था कि इस बातचीत में रोड़ा बन सकता है या उसकी वजह से बातचीत पटरी से उतर सकती है, वो नहीं है। ज्यादातर नेताओं ने कहा चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, इसलिए उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, विधानसभा गठित करिए, वहां पर चुनाव कराइए, डिलिमिटेशन जल्दी खत्म करिए। और एक जो बड़ी मांग थी सारे नेताओं की कि वहां पर गवर्नर के साथ विधानसभा होनी चाहिए, एलजी के साथ नहीं। और साथ ही अरुण, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी और जुड़ गए हैं, रिफत अब्दुल्ला जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से, लगातार सुबह से हमारे साथ बात शेयर कर रहे थे बैठक पर, और साथ ही यतेंद्र भी दिल्ली से जुड़ गए हैं जो कि जम्मू कश्मीर हाउस पर बने हुए हैं। पहले मैं रुख रिफत आपका करना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर के आवाम इन नेताओं के जरिए जो बात सुनना चाह रही थी, क्या यही बातें बैठक से निकल कर सामने आई? देखिए, जिस तरीके से अरुण बता रहे हैं कि उन्होंने काफी लोगों से बात की, अंदर आने की कोशिश, उस हिसाब से जा सकता है जिस के साथ यहाँ पे 70 और 35 की बात कर रहे थे तो उसे गुक्का रेंज के लीडर, फिर उनके हाथ कुछ नहीं आया और वो नहीं बोल पाए जो कहना है। तो अगर ऐसा है फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे फिर वो लोगों से कहेंगे कि उन्होंने बढ़ चढ़ के ये बात कही कि 370 और 35 या स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर किया जाए? क्या इसका मतलब ये है कि वो भी अब यही चाहते हैं कि पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस हो और स्टेट हुड जो पहले ही बताया गया है कि वापस दिया जाएगा, क्या उसी पे वो सहमति कर रहे हैं कि उसके बाद जो कुछ भी करेगी तो असेंबली करेगी? ये एक बहुत बड़ी रोक रही हूँ, मैं सीधे रुक करना चाहती हूँ अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ, प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों की बैठक सकारात्मक रही, यानी कि पहली बैठक में जो नींव पड़नी थी वो बहुत मजबूत पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, पीएम ने बैठक के शुरू होते हुए कह दिया था तमाम नेताओं को कि ये खुला मंच है, आप अपनी बातें बेखौफ
और बिना डरे कह सकते हैं और जिसको जो बातें कहनी है कोई समय सीमा नहीं है। और मुझे लगता है पीएम के इस आश्वासन के बाद ही पूरे बैठक में कोई न तलखी रही, न किसी ने किसी विवादास्पद मुद्दे को उठाया, किसी भी जो कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, ऐसा कोई मुद्दा किसी भी दल ने नहीं उठाया प्रीति। और सबसे बड़ी बात, पीएम ने जो अपने बयानों में जो चार पांच बातें कही हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, पीएम ने बैठक में कहा कि वो दिल्ली की दूरी को मिटाना चाहते हैं और दिल की दूरी को भी, यानी आप जो हीलिंग टच की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दौर में की थी, उसी हीलिंग टच को आगे बढ़ाते हुए दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कश्मीर की जनता से मिटाना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। और पीएम ने साफ तौर पर कहा कि बैठक का मुख्य मुद्दा है कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का, और जैसे DDC के चुनाव हुए थे उसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव कराए जाने की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पूरी की पूरी चर्चा परिसीमन पर होगी और परिसीमन की रिपोर्ट सभी दलों को स्वीकार करने के बाद ही यहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो प्रीति, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के इन बयानों से साफ है कि पीएम ने सबको ये भी कहा है कि आप राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सब साथ मिलकर काम करें तो राज्य के हित के लिए और वहां के नागरिकों के हित में होगा। तो मुझे लगता है ये तमाम जो पॉजिटिव गए हैं, पॉजिटिव सकारात्मक संकेत और संदेश गए हैं वहां के नेताओं को, तो मुझे लगता है कि अच्छी मैं आपको रोक रही हूं लगातार।